हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल को। तो आज हम बात करने वाले अपने flickr.com वेबसाइट के बारे में। flickr वेबसाइट क्या है और उसका क्या यूज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। flickr बेसिकली अपने वीडियो पर्पस का प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप वीडियो रिलेटेड काम कर सकते हो। लाइक अपने वीडियो एडिटिंग करना, साथ ही ऑडियो से वीडियो बना सकते हो, टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हो, इमेज से वीडियो बनाना। इसके अलावा और भी मल्टीपल्स इसके अंदर टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को बना सकते हो, यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। उसके अलावा अपने ऑनलाइन कोर्स को बना सकते हो, वहाँ से अलग अलग टाइप से अपने फीचर से वीडियो एडिट कर सकते हो। और भी ऐसे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपना वीडियो पूरा तरह से कस्टमाइज करके बना सकते हो। तो flickr आपको ये ऑप्शन देता है। इसमें आपको फ्री वर्जन भी मिलता है, पेड वर्जन भी मिलता है। आप फ्री में पहले स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही इसके अंदर अपने स्टॉक फुटेज, अपने स्टॉक वीडियो, इमेज, ऑडियो वगैरह सब आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइंस, अपने शेप वगैरह जो होते हैं राउंड, अपने स्क्वायर शेप वगैरह, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसे आप यूज कर सकते हो। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा, किस टाइप से यूज करना है सब बताऊंगा। वीडियो में रहिए, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। इस बात के लिए लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आगे इस flickr.com वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आ सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट है, क्रिएट ए पब्लिश विद द फास्ट एड वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, अपने जूम रिकॉर्ड कर सकते हो, मार्केटिंग वीडियो वगैरह कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आगे भी हमने बात की थी कि आप टेक्स्ट देखिए, ऑडियो टू वीडियो कर सकते हो, इमेज से वीडियो, सब टाइटल से वगैरह। तो वीडियो रिलेटेड काम यहाँ पे आप सब कर सकते हो। इसके अलावा आपको जूम रिकॉर्डर भी मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अभी यहाँ से हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका ये डेस्कटॉप अपने डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, स्टॉक, लाइब्रेरी, ऑडियो मिलता है, उसके अलावा मोशन, टेक्स, सब टाइटल्स, शेप वगैरह और ट्रांजेक्शंस। तो अभी यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है ये सब। तो अभी यहाँ से हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट को लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। अभी तो अपलोड हो गया है। अभी यहाँ से मैं इसे लाके इस प्रोजेक्ट के अंदर ला दूँगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पे स्टॉक वगैरह इमेज आपको चाहिए, फ़ोटो इमेज है, जो आप अपने हिसाब से जो भी आपके सेट होता है वो ले सकते हो। सिंपली बस आपको क्लिक करना है, जो भी पसंद आता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आके ऐड बटन पे क्लिक करना है, ऊपर आ गया इमेज। इसे पसंद नहीं आता आप इस बीच में ऐड कर सकते हो, कट करके। लाइक इसे कट करना है आपको, कट का ऑप्शन है, कट कर देना है। बीच में ऐड कर सकते हो फोटो को और फिर यहाँ से वापस कट कर सकते हो। स्टॉक वीडियो, इमेज, गिफ वगैरह जो अपने हिसाब से लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो फ़िलहाल मैं कोई भी ऐसे वीडियो एडिटर का लेता नहीं हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, पिछली बार भी आया था। तो आप चेक कर लेना पहले। और साउंड इफेक्ट भी मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के साउंड इफेक्ट चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा मोशंस दे रखे हैं अपने, मोशन में जैसे कि सब टाइटल वगैरह ऐड करना चाहते हो, कोई टैक्स वगैरह देखे। लाइक जैसे कि ये ऐड हो गई, अभी यहाँ पे देख सकती हो, अभी हम इसे फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने टैक्स वगैरह लिख सकते हो, जो भी ये बोल रहा है वो, और फिर आप अपने टैक्स दे सकते हो। सब टाइटल के अंदर टैक्स दे रखे हैं। अभी ये मोशन का सब टाइटल, सब टाइटल का ऑप्शन अलग है। टैक्स वगैरह देना चाहते हो वो भी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं टैक्स ऐड करता हूँ, जितना चाहिए उतने आप रख सकते हो। उसके बाद कट का ऑप्शन है, कट करके यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सब टाइटल्स का, ऑटोमेटिक सब टाइटल है, मैन्यूअल है, अपलोड है। ऑटो सब टाइटल करोगे, टाइप करना है आपको प्रोजेक्ट वन पे, दो प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे ये करता हूँ, ऑटोमेटिक सब टाइटल स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इसने जनरेट किया है। तो अभी ये ऊपर की ओर आ रहा है और यहाँ पे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे अपना सब टाइटल देख सकते हो वापस, अगर आपको कोई लगता हो तो। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो अपने टाइमिंग के हिसाब से, वो अपने आप ऑटोमेटिक सब टाइटल ऐड होता रहेगा। उसके अलावा शेप दे रखे हैं, शेप में आप जो भी राउंड वगैरह स्क्वायर शेप चाहते हो वो ले सकते हो। ट्रांजेक्शन्स में ले सकते हो, आपको जो पसंद आता है वो ट्रांजेक्शन। लाइक जैसे कि ये ट्रांजेक्शन आ रहा है यहाँ से, हम इसे ऐड करेंगे इसके बीच में। तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन भी ले सकते हो। तो ऑप्शन आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग है। अभी रिकॉर्डिंग के लिए आपको देखिए वेबकैम है, स्क्रीन है, ऑडियो है, वेबकैम इंसर्ट, इंसर्ट दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में, और स्प्लिट स्क्रीन भी मिलती है। तो क्लिक करना है आपको स्क्रीन के ऊपर और रिकॉर्डिंग अपने आप अपने जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे विंडोज़ पे, यहाँ पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपने स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहेगी।
तो आप इस तरह स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ये डाउनलोड टेक्स्ट और सबटाइटल कर सकते हो। फॉर्मेट कौन सा चाहिए, टेक्स्ट के अंदर ही चाहिए या फिर SRTVT वगैरह जो भी आपको अपने फॉर्मेट में लेना चाहते हो वो ले सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो आप सब टाइटल्स को। तो कोई भी आपको वीडियो पसंद आता है उसके सब टाइटल आपको चाहिए, उसका जो आपने बोला है उसने उसका सब टाइटल डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से वो इम्पोर्ट करके डाउनलोड कर पाओगे। पोजीशन में आप यहाँ से पिक्सल से देख सकते हो, स्केल है, उसके अलावा एनिमेशन भी है। तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इसको कर दिया है, अभी यहाँ से हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। तो यहाँ से आप अपने टैक्स वगैरह नाम दे सकते हो प्रोजेक्ट का, ठीक है। मैं जैसे कि टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सब ऑप्शन मैंने आपको बता दिए क्या क्या ऑप्शन थे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाओगे। रिकॉर्डिंग का भी बता दिया, इम्पोर्ट का, और इसके अलावा ऑप्शन दे रखे है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एंड डाउनलोड, वीडियो भी ऑप्शन है, ऑडियो भी है, गिफ्ट भी है। यहाँ से ईमेल और अपना नाम सबमिट कर देना है। प्रोसेसिंग में आ रहा है एक्सपोर्ट, तो वेट करें आप। ठीक है, तो हो गया एक्सपोर्ट। अभी रिमूव वाटरमार्क और पब्लिश वीडियो का क्लिक पे कर सकते हो, पब्लिश अपने यूट्यूब वगैरह पे। तो अभी आपको मैं बीच में ऐड करके दिखा दूंगा किस टाइप से वीडियो जनरेट हुआ है। है कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीप ब्रेन आईओ वेबसाइट के बारे में। तो इस तरह से आप एक्सपेयर अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो। सब टाइटल में कुछ गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पे इसने सही ढंग से नहीं दिखाया। तो यहाँ पे भी फिलहाल आप अपने कर सकते हो, अभी सब टाइटल तो सही यहाँ पे दिख रहे हैं बट वहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद किस टाइप से आ रहा है वो पता नहीं। तो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं, इसके अंदर आप कर सकते हो। बैक टू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करूँगा वापस मैं, और आपको अलग अलग टाइप्स के टूल्स दिख रहे थे। टूल्स आपको मैं दिखा देता हूँ, फिलहाल इसको हम फिलअप कर देते हैं। तो क्विक टूल्स में आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड, यहाँ पे इनहेंस ऑडियो है, ऑडियो कंपेरिजन जनरेट, अपने ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो, फ्री प्लान है, उसके अलावा स्टोरेज, एक्सपोर्ट टाइम इतनी है। तो फिलहाल आप इस आप करते हैं लॉग आउट, और मैंने जो आगे बात की थी ऑडियो से वीडियो बनाना वो सब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और जो भी आपको टूल पसंद आता है, ऐड ऑडियो टू कोई भी आप पे क्लिक करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो वापस उसी डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे और उस टूल स्पेसिफिक वो टूल आपके ये कौन सा था ऑडियो से वो तो आप उसमें बना पाओगे। ये तो जो भी आपको पसंद आता है उस पर आपको क्लिक करना है। लाइक हमने क्लिक किया इसके ऊपर तो अभी जैसे कि ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो मैं आपको ये देखिए ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, चॉइस वीडियो पर क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास वीडियो नहीं है ग्रीन स्क्रीन के लिए तो एक बार देख लेते हैं। वापस मैं ये ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर अपने बैकग्राउंड थोड़ा क्लीन है। तो इम्पोर्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये आ गया यहाँ पे। अभी आपको देखिए ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ये रहा ठीक है ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ये फोटो के बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे तो देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन। इस तरह से आप कर सकते हो, भी ये परफेक्ट तरीके से नहीं लेगा ग्रीन स्क्रीन को बराबर। तो आपको इस तरह से आप इसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन कर सकते हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी आप बना सकते हो। तो पूरा परफेक्ट तो नहीं है ग्रीन स्क्रीन के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे वीडियो की जो पूरी ग्रीन स्क्रीन नहीं दे रही है, यहाँ पे कलर ब्लू था और थोड़ा बहुत अलग कलर था। ग्रीन स्क्रीन होगी तो परफेक्ट आपका वीडियो बनेगा इसके लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया किस तरह से आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वगैरह कर सकते हो। सिंपली आपको जो भी टूल्स चाहिए वो वहाँ पे क्लिक करना है और आप पे आ जाओगे और आपके ऑटोमेटिक वो आपको शो करेगा ऑप्शन कौन सा था, टेक्स्ट से वीडियो, ग्रीन स्क्रीन, तो ग्रीन स्क्रीन का आ गया यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप से ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना वीडियो बना सकते हो, और इस रिलेटेड क्वेश्चन हो मुझे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और ऐसे नए यूजफुल टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।